हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज अपन क्या देखने जा रहे हैं? तो मिलनी से रही आज रेसिपी। तो आज हम घर के बाहर निकले हैं, हमारा जो न्यू घर बन रहा है ना, तो वहाँ का किचन का सेटअप देखने जा रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से हम किचन बनाए नीचे भी और स्ट्रीट फूड का जायका का भी। तो अभी आप लोगों को भी दिखाएंगे, आप लोग भी साथ में बने रहना, आप लोग भी सजेस्ट करते रहना कि कौन सा किचन ज्यादा अच्छा लगा। भाई का क्या कहना है? मैं बोल रहा हूँ कि ना, इन लोग को इसके लिए मैंने बोला कि ना भाई ये कर दो। रीजन क्या है मालूम क्या? हम लोग ना किचन को वैसे तो बहुत देख रहे हैं, लेकिन जो सामने देखेंगे ना तो कलर कॉम्बिनेशन भी समझ में आएगा, दो चार ऑप्शन मिलेंगे, कैटलॉग मिलेंगे, प्लस बजट भी मालूम पड़ेगा। हाँ, और एक सेटअप आग से देखने का मजा ही कुछ और होगा। नया कुछ देखने मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है नया कुछ देखने मिलेगा और मैं भी कुछ नया चाहती हूँ। तो बस अभी हम लोग निकले, आज है दिन संडे का और बज रहे हैं 3:15। कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉगिंग? एकदम मजा। चलो चलते। तो हम लोग लोकेशन पे तो पहुंच गए। क्या भाई, गोरेगांव? हमारे लिए तो गोरेगांव है। वैसे क्या है ये लोकेशन? मदीरा मंजिल रोड, वो वाला जो ये हाईवे टच होता है, मतलब लिंक रोड से। हाँ, ओबराय से इन ऑर्बिट मॉल का वे है ना, वहाँ पे ना बहुत सारी किचन की दुकान है। हम लोग ने बहुत बार आते जाते हुए देखा था, नजर में रखा था कि वक्त पड़ा ना तो यहाँ पे एक राउंड मारेगा, इंक्वायरी बनती है। बैक कैमरे से बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो व्लॉग अभी मैं संभालूंगा यहाँ से। अभी यहाँ पर हम लोग ना पहले तो घुसे, मैं ना यहाँ से जब भी जाता था ना, यहाँ से मुझे दिखता था किचन। तो मैंने अम्मी को बोला था, अम्मी यहाँ पर ना जाके एटलीस्ट देखना तुम, फिर उसके बाद तुम्हारे किचन का सोचना, तो हम लोग को आइडिया मिल जाएगा। लेकिन अंदर आके मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर बेडरूम हम लोग ना यहाँ से ऐसा जाते हैं ना, तो ये साइड ही नजर पड़ती है, किचन सेटअप है ये साइड ना। हम लोग वो साइड से आते तो यहाँ नजर ही नहीं आती। तुम लोगों को दिखाता हूँ पहले, ये देखो हम लोग है ना ये ऐसा जाते तो ये जाने के पे ना ऐसी नजर पड़ती है हर बार। ठीक है, तो इसके लिए मैं किचन करते हुए आया था, लेकिन आज इस तरफ देखा, ये देखो है ना, अच्छा ये देखो, ये घर के अंदर का ये आइलैंड किचन में एल टाइप भी है, वो वाला भी है। बता, ये रियाज बोल रहा है मेरे को ऐसा पीछे की जगह नहीं चाहिए, मेरे को पीछे की जगह प्लेन चाहिए। प्लेन चाहिए एकदम, क्योंकि ना मैं ना सिर्फ रेसिपी पे ध्यान देते हैं। अच्छा, पीछे गंदा है मतलब ही नहीं। गंदे का मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी, गंदे का मतलब इसकी नहीं। अरे बता। नहीं, गंदे का मतलब बताएगा तू, बता रहा हूँ। अच्छा रुको, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन यहाँ किचन देखने ले, ये मान ले ये साफ करे, ये कपड़ा यहाँ रख दिए, हाँ चलो स्नान करते हैं। कपड़ा मतलब गंदे का एक्सप्लेन ये क्या कर रहा है, जो टिश्यू मैं लेती हूँ फ्राई पैन चार पोंछने के लिए, या फिर मैं कपड़ा लेती हूँ अपना कांच का। तो मैं क्या बोल रहा, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। देख, अगर अपने को ना किचन के अंदर, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोगों को स्टोरेज वाइज सामान रखने के लिए ऐसा तो वार्डरोब लगने वाला है। लेफ्ट राइट, हाँ पीछे वो खाली चाहिए। अच्छा, अभी भी बोलता हूँ अम्मी वो टिश्यू हटाओ, वो कपड़ा हटाओ, ये चीज होती है। तो मैं बोल रही ना, ये हाँ वो कॉमन है। अभी अपन अभी इस पे कर रहे, मतलब चैनल पे कर रहे लोगों के लिए, तो अपन क्लीनिंग देखते कहीं ना कहीं, अपन आउटलेट में जब काम करते थे होता था। मैं यहाँ पर ऐसा कैशरिंग कर रहा हूँ, और वो बंदे ने कॉफी बना के यहाँ पर उसका क्लोथ छोड़ दिया है या फोटा फिल्टर छोड़ दिया है। हाँ ठीक है, इट्स अ कॉमन थिंग। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये चीज को अपन लेफ्ट या राइट में रख सकते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अभी थोड़ा डिजाइन देखो, समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता दूसरा ऑप्शन कैटलॉग्स देखो। तो अम्मी कैसा व्यू आ रहा है जरा देख लूँ मैं, जरा स्ट्रीट फूड जाएगा। लेकिन ये यहाँ पर रियाज दिख रहा है आप लोगों का साथ है। हाँ, तो किचन में क्या है आज? खाली कढ़ाई है आज, किचन में खाली कढ़ाई है। मुझे ना ये बेडरूम दिया, अगला पहला किचन, मगर ये जो साइड वाला तो ये अपने किचन में लगा है। हाँ ये क्या है, अभी ऐसा है ना, वो ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा डिटेल में आते हैं, इसके ऑप्शंस देखते हैं। ठीक है, इस तरफ से भी खुलता है, दोनों तरफ है। अरे वाह, ये तो मैं लुक के हिसाब से देखा ही नहीं था। नहीं, दोनों तरफ अपना पूरा भरपूर सामान आ सकता है। मैं तुम लोगों को गाइस कुछ लुक्स दिखा रहा हूँ, ताकि तुम भी ऐसा सजेस्ट कर सको कि अम्मी ये वाला अच्छा था या ये वाला अच्छा था। अच्छा ये देख, ये देख, ये मार्बल लगा है तेरे पास? ग्रेनाइट है। हाँ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट ये G5, ये तेरे पास लगा हुआ है? हाँ बिना घर पे ये लगा हुआ है, वो G5 है। G5 वो है, इसमें
अच्छा क्वालिटी कौन सा रहता है, जैसे कि चाय वाय मिल गया, दाग मिल गया, सालन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं? जी फाइव बेस्ट है ना, उसमें नहीं है वैसा, उसमें दाग थोड़े दाग होते हैं। G5 बेस्ट है ऐसा आप मुझे भी रिफर मिला है, बोले G5 कर रहे हैं। यस ये तो एकदम मतलब बोलते ना घर के अंदर का किचन ऐसा कर सकते हैं। हाँ थोड़ी सी बातें मैं यहाँ पर वो भी कर लेता हूँ तो आइडियाज़ अपने को चाहिए, ठीक है नहीं? मैंने देख तो लिया लेकिन अब थोड़ा प्राइसिंग और बाकी सब चीज़ों पे आते हैं, बिहाइंड द सीन वाली बात हम लोग आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाले। नहीं करेंगे यार, बाद में करते थोड़ी देर के। आएगा ना भाई? तो ये वाला अंदर होता है, बंद कर हल्का सा, ये देखो ये अंदर जाता है सिस्टम, ये ऊपर है ना, हाँ ये ऊपर वाला है ना, ये देखो ये अंदर जाता है, मतलब जो सामान है ना अंदर नहीं रहेगा। अगर ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ना तो सामान यहाँ तक के हाथ नहीं डालना है, सामान अपने आप यहाँ तक आ रहा है दरवाजा खुलते साथ ही, है ना? सिस्टम अच्छा लगा। तो रियाज ये वाला प्लेटफॉर्म तो एक मंगता है, है ना? क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल अजीज भाई, स्ट्रीट फूड जायका का कबाड़ बोल सकते हैं, मसालों का कबाड़। तो ये भाई आएंगे हमारे घर पे साइड विजिट करने के लिए, है ना? एरिया क्या से क्या है, कैसा कैसा बनेगा, कुछ आइडियाज देंगे फिर उसके बाद डिस्कशन होगा कि कैसा प्लान होगा, क्या होगा। टाइम एक महीना लगने वाला है, है ना? ये रोलिंग शटर है, अच्छा हाँ ये जरूरी नहीं पूछेंगे, बंद कर दो एकदम, कितना इजीली देखना शटर देखो स्मूथ है ऊपर से। देखो नवी नवी चीज देखे तुमने, ये देखे ये वाला देखे ना तुमने? हाँ ये तो मैंने ही देख के आवाज दी। चलो ठीक है, अब वो देखो वो वाला हम लोग ने आवाज दिया तुमको। अच्छा ये नहीं देखी, बताओ क्या है? ये बराबर इसमें हमारा सामान आराम से। और एक एक देखो, और एक एक दिखाओ उधर पे कैसा अलग अलग था, इधर देखे एक ही साथ है। कम जगह में दोनों चीजें सब फिट करने का, ओटीजी माइक्रोवेव, जितना हो सके कम शॉर्ट जगह में सामान सब आ जाए, ऐसा चाहिए, दूर 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 नहीं चाहिए। अच्छा ये पुल डाउन करके इसमें भी सामान रख सकते हैं 5 kg का, मतलब कम हाइट वालों के लिए बहुत बेस्ट है, बेस्ट है। सामान भी नीचे आ रहा है। ये कितना वेट ले लेता है? 5 kg। ये अपना 15 kg। अच्छा सही है, मतलब ऐसा नहीं कि डब्बे के अंदर घुसने की जरूरत है, तुम्हारा हाइट चढ़ के निकालने का नहीं, इसको खींचो नीचे, है ना? ये सब चीजें भाई, ये शॉप का नाम क्या है आपके? लीफ इंटीरियर। एक मुझे एक कार्ड बता दीजिए ना जरा कि हमने ये कहाँ देखे ना, अगर आपको पसंद आया रहेगा और आपको इंक्वायरी आएंगी मेरे को डेफिनेटली मालूम है कि कमेंट आएगा कि भाई कहाँ देखे जरा बताओ। तो देखो मैं यहाँ दिखाऊँ, देखो यहाँ पर नंबर भी है, एड्रेस भी है प्रॉपर, आप आराम से कांटेक्ट करके इंक्वायरी कर लेना, ठीक है? ये ऊपर ओहो अभी रियाज भाई देख रहे हैं यहाँ पर अपना बेडरूम के लिए थोड़ा, मैं ना एटलीस्ट है ना, ये देखो पूरा लुक दिखाओ तुम लोगों को। तो ये रियाज भाई अपने बेडरूम के लिए देख रहा है, मेरे बेडरूम के लिए देख रहा है ना रियाज? ये रियाज खुद के लिए मेरे बेडरूम के लिए देख रहा है। ये देख साइड लाइट, देख साइडर्स के साथ ऊपर है, नीचे नहीं है, नहीं तो कैसा लैंप नीचे रहता ना। ये तो मिरर है, देख ड्रेसिंग टेबल। अच्छा ये कबाड़ जो देख रहा था तू, अपने को तो ऐसा वाला अच्छी ना स्लाइडिंग, हाँ अच्छा इसके अंदर भी देखो, हाँ बंगड़िया वॉचेस जो भी कलेक्शन कलेक्टिवली कबाड़ में शू रैक, तेरा टेंशन खत्म ना। अरे बाबा इसका तो जूते का दुकान है घर ये, इसके शू का ये बहुत घर में अलग से जगह चाहिए था इसको, मेरे शूज के लिए जगह किधर है? आ जाओ स्वागत है आपका वापस हमारे रिक्शा में, और भाई हमारे साथ है बशीर भाई सदा बहार। ये रहता है जिस दिन भी हम लोग टेंशन फ्री रहते उस दिन, मैं तो ऐसा हो जाता थोड़ा सा टेंशन रहता है, लेकिन बशीर रहता ना टेंशन नहीं रहता, बहुत सारी चीज कॉमेडी करते रहता ना वो बीच बीच में, एक तो बातें होती रहती है, दूसरी बात क्या है देखो हम लोग ना अभी कार नहीं है अपने पास, अभी अपन बेकार है, हाँ तो कार आएंगी तब अपन अलग बात है, तब मैं बशीर को अलग से याद करूंगा कि भाई आता तो आ जा घूमने के लिए। अरे कार नहीं भी रहेगी ना, दो बाइक भी रहेगी ना, तो उसके मैंने 800 भेज दिया, हाँ परेशानी वहाँ आ गई,
ये तो कार की भी जरूरत नहीं पड़ती, दो गाड़ी रहेंगी ना घर के तो आराम से निकल जाते, इसे गाड़ी बेच के ना बहुत नहीं, तो अभी लेता हूँ ना बाबा, अपने को समझ में आ गया अभी दूसरी गाड़ी लेने का है, दो गाड़ी रहेगी ना, फिर कब बुक करूँ बाइक, अरे ले ले भाई कल परसों में ले ले, अभी बहुत भाग दौड़ करने का है घर की। चलो फिर इसी बात पे अपन डन करते हैं, यहाँ से अपन गाड़ी लेने वाले, घर की भाग दौड़ करना पड़ता कितनी, अभी अभी तो पूरा काम बाकी है, अभी कितनी कितनी जगह दौड़ना है, अभी एक बाइक से नहीं दौड़ पाते, कितने बार बोली गाड़ी ले ले, गाड़ी बेच दिया जबरदस्ती मेरे यूसुफ को ले जाके उल्लू बनाया, यूसुफ को ले जाके उल्लू बनाया, उसको क्या मन क्या बोला, मैं तेरे को दूसरी दिलाता तीसरी दिलाता और गाड़ी का काम करके आगे रखे खराब हो रही थी। तो भाई अभी बता फिर किचन का क्या डिसाइड करें। देखो भाई अपन ने ना सबसे पहली बात तो किचन बनाने का था, कुछ जगह किचन बनाने नीचे का किचन बनाने का, लेकिन आइडिया जीरो था अपनी, तो आज अपने ना वो आइडिया लेने निकले थे कि भाई हाँ किचन बनाने का खर्चा क्या जाएगा, बजट क्या जाएगा, कितने ऑप्शन है, क्या क्या कर सकते हैं, तो वो अपन सीख गए आज। अब इसमें बहुत बजट जाता है, लेकिन ये सब किचन में मैंने देखी, मैं आज रियाज को ले रियाज इतना बजट जाता है, देखो हमें तो प्राइस सुन सुन के अम्मी की आंख बड़ी हो रही, क्योंकि अभी तक ये हुआ अपना कड़प पे भी काम चला है, घर में काम हो जा रहा है, बाल काम करके हम लोग ने ग्रेनाइट लाके डाल दिए, पीछे हम लोग ही कलर मारते हैं, ऊपर लाइट भी हम लोग लगा देते हैं, हो जाता पता ही नहीं चलता है, आप पहली बार निकले इंटीरियर के हिसाब से, तो लाखों की बात हो रही है, तो अम्मी भी परेशान, क्या बोलते हो हम लोग ही कर दू, नहीं नहीं अभी थोड़ी अरमान है ना, तो थोड़ी अरमान निकालेंगे भैया, ठीक है बोलो तो हम लोग कर देंगे वापस पर्दा वापस, नहीं अल्लाह बोलेगा कि फिर इतने भी नाश पूरा मत करो, अल्लाह दिया ना अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं स्ट्रीट फूड जाएगा तो इंशाल्लाह सही में इंटीरियर वर्क वाले से ही कराएंगे, इंटीरियर वाले से ही काम कराएंगे। अच्छा चल अभी मेरे को भूख लगी है फटाफट, हां यार अभी चलते हैं कुछ खाने पीने के लिए, कैसे ना स्ट्रीट फूड जाएगा का कुछ भी वीडियो बन रहा है अभी, नहीं तो खाना होना ही चाहिए, साढ़े चार मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर कुछ डन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने एक वीडियो थ्रू आइडिया मिला रहेगा, आप लोगों को क्या पसंद आया, आइलैंड किचन एक ही दिखा वहाँ पर, तो सबको वही पसंद आने वाला है, क्योंकि स्ट्रीट फूड जायका का लुक उस पे यार, लेकिन फिर भी उसको छोड़ के तुम पीछे के दूसरे तीसरे वाले किचन भी देखना, क्योंकि आइलैंड किचन सब में बन जाएंगे, तो वो चीज का नजर रखते हुए ना सजेस्ट करना कि कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, किधर पे लुक अच्छा आ रहा है, कौन सा सूट हो सकता है स्ट्रीट फूड जायका, तो पिंक वाला भी अच्छा लगा, लेकिन कैसा मटेरियल उसका, सही बोलू ना हकीकत बोलू तो तेरे को पीछे वॉल पे काम चाहिए नहीं, नहीं चाहिए तो वो कुछ भी रहे कुछ नहीं दिखने वाला, आइलैंड किचन पे सिर्फ मार्बल दिखने वाला है और थोड़े वार्डरोब दिखने वाले, वही दिखने वाला है, तो तू कौन सा भी करा मुझे फर्क पड़ेगा, आता ना जैसे अपने घर में देखो बहुत से सब्सक्राइबर आते हैं स्पेशली स्ट्रीट फूड जायका देखने, लेकिन मेरा एक अलग ये है कि मेरा मानना है मेरे मसाले अच्छे से रहे, मेरे बर्तन अच्छे से रहे, मेरा सामान अच्छे से रहे, इंशाल्लाह मैं वैसा कराऊंगी, अभी मुझे बहुत सारे सामान है ना झुक के नीचे किचन के नीचे निकालना पड़ता है, कलर भी कलर कॉम्बिनेशन भी सजेस्ट, हाँ कलर कॉम्बिनेशन प्लीज सजेस्ट करो, क्योंकि मैं परेशान हूँ, मेरा तो पूरा दिमाग जा रहा है व्हाइट और क्रीम की तरफ, लेकिन आप लोग सजेशन दो कि कंट्रास्ट में कौन सा अच्छा लगेगा हमारे स्ट्रीट फूड जायका के, तो व्हाइट को पकड़ के बैठ गया है कब से चिल्ला रहा व्हाइट 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 व्हाइट, मैं बोला फुल व्हाइट रखेंगे ना तो अपने एक शूट का मजा आता है, नहीं फिर थोड़ा सा उसमें कंट्रास्ट चाहिए ना डार्क, एक व्हाइट तो चलो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ में एक कंट्रास्ट रहना, कॉम्बिनेशन बताओ कॉम्बिनेशन बताओ, चलो चलते हैं भूख लग रही है, चार साढ़े चार हो रहा है अभी चलते हैं, थोड़ा कैसा लगा मेरा ब्लॉग, हाँ तो अभी बज रहे हैं चार और अभी हम लोग हैं, हम लोग रिक्शा में तीन जने हैं, रिक्शा में हम लोग का भाई आगे रिक्शा चला रहा है और वो देखो लाल गाड़ी जा रही है, अरे कितना पसंद कर रहे हैं बाबा, चलते हैं अभी भूख लग रही है, भूख लग रही है, हाँ लो चालू किया, ब्लॉगर नहीं बन सकता, अरे थोड़ी बातचीत में ध्यान से निकल जाता है, तो हम लोग आ चुके हैं होटल में क्या अपने फेमस वाले खाली है, खाली है, यहाँ पे प्लेटें भी आ गई है, खाली प्लेट आई बेटा, अरे मैं व्लॉगर बन रहा हूँ, मैं तुम समझ रहे नहीं, थोड़ी लाइट का मैं रुको, हाँ ओहो यहाँ पे कांदा नींबू भी आ गया है, ओहो पानी भी, पानी भी, भी भर के रखे है हमने, ये क्या है नींबू भैया, ये क्या है कांदा, ये क्या है, लंदन में टैक्सी चलाएगा, और ये देखो भाई हंस रहा है यार, ये पक्का वाला ब्लॉगर बन रहा है, ब्लॉगर, और यहाँ पे अम्मी देखो कुछ बोल रहे हैं, और यहाँ पे देखो कांच लगी है, मैं स्ट्रीट फूड जायका पे ही सही हूँ, स्प्राइट आ गया है,
और ये है यहाँ की डिश जो कि हम लोग हर बार खाते ही है, जिसका नाम है मटन सूखा, लेकिन आज गीला है। आज है लेकिन ये है गीला। और ये है बटर चाय नहीं, बटर रोटी। और ये देखो यहाँ पे अम्मी डालो, ये क्या डाल रहे थे तुम? अरे रुक जाओ भाई, बटर रोटी आ गई। और ये है हमारा कांदा नींबू। भाई डिवाइड कर दो। वल्ला वल्ला हबीबी। बस 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 थोड़ा और डालो। चलो अम्मी चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। चलो कांदा उठाएगा। बिस्मिल्लाह। हाँ मस्त बटर देखो। गरम गरम तो नसीब आज हमारी के भाई तंदूर चालू था ये टाइम, नहीं तो ये टाइम पे बंद रहता है। हाँ ये टाइम पे बंद हो जाती है। बिस्मिल्लाह। बंद हो गया था लेकिन छह रोटी था लगवा दी। थैंक यू भाई। हाँ मेरे मुंह में पानी है, आप लोग के भी आया? हाँ भाई, आप तुम्हारा टन। मेरे मुंह में पानी नहीं आया, मेरे मुंह में बोटी आ रही है। वाला मेरे मुंह में मसाला आ रहा है। और ये रहा तुम्हारे भाई का, अब मैं बताता हूँ। ये देख रहे बोटी, बोटी देख क्या गली रहती है। ये पहले तो मैंने उठाया बोटी और डाला अंदर रोटी। रहा सालन मसाले वाला भर के। आज डाइट की छुट्टी क्योंकि संडे है। बिस्मिल्लाह। थैंक यू। और ये आ गया हमारा कॉम्बिनेशन। सही बात बोलेंगे ना तो वो खुद ज्यादा खुश है। हाय हाय हाय, ये कोई खाया है कभी? बच बच अभी बाकी सब में डालो, बचेगा तो डालना इसमें। बस भाई बस 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 थोड़ा और डालो। इसका डायलॉग बस बस। अरे तुम उधर पे देख, बोल दिया तो फिर इनको देख। हां उधर देख रहा है। सही बात। ओ भाई और डालो और डालो। रिएक्शन इसका। खाना हो गया अम्मी का? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे पास्ते का कुछ बोल रहे थे? हाँ पास्ता सुबह में इतने शौक से बनाई, वो कल जाके हमने लेके आए थे ना थोड़ा सामान, उसमें ना पास्ते का पैकेट ली थी। बोली चलो आज ये ट्राई कर, ऐसा तो मैं नॉर्मल खाती नहीं जल्दी पास्ता वास्ता, बोली आज ट्राई करते पैकेट वाला। बकवास था कसम से। एक पास्ते में मैंने तीन प्लेट डिवाइड करी, एक शेरू के लिए, एक रियाज के लिए, एक मेरे लिए। उसमें भी नहीं खाया गया मेरे से, फिर छोड़ दी। तो भाई लोग खाना पीना हो गया हम लोग का, और हम लोग का एक जो किचन का आइडिया लेना था वो भी जाके ले चुके हैं, है ना भाई? मस्त। हाँ मैं हाँ, अभी वहाँ से बंदे को तो एक आइडिया मिला हम लोग को, घर पे बुला के और आइडिया और ले लेंगे। हाँ कम से कम तीन से चार लोगों को बुलाऊंगा, देखेंगे कैसा क्या बैठेगा, वो लोग अपना बजट देंगे, जो बेस्ट हम बेस्ट लगे फिर उसका हम लोग ऑर्डर दे देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं 25 दिन जाएगा वो भी बनने में, महीना पकड़ के ना। तो जल्दी कमेंट्स करो, जल्दी जल्दी कमेंट्स करो तुम लोगों को कौन सा अच्छा लगा, जो इन लोगों ने देखे ना अभी जो सजेशन दो। हाँ कि कौन से स्टाइल में हम लोग बनाना। हाँ इसलिए कमेंट्स करके बताओ, ठीक है? तो अभी ऐसी ही वीडियो आगे आप लोगों को मिलते रहेंगे। अपने घर से रिलेटेड बहुत सी चीजें जाके सेलेक्ट करना है, टाइल्स हो गया और भी बहुत सी चीज, तो भाई ऐसे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है? तो ये वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के अल्लाह हाफिज, बाय बाय। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। बाय 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 गाइस।